बहुत बड़ी सभा बुलाया है और बहुत बड़ी सभा बुलाने के बाद राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कही, ध्यान सुनना, समस्त सेनागणों से कहे, समस्त विद्वानों से कहे कि ये बताइए, ये जो यज्ञ कर रहे हैं हम, इस यज्ञ में सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जैसे आज हम और आप बैठे यहाँ पर, सभी लोगों ने यह कथा को सुना और सुनने के बाद सब लोग शांत बैठे रहे। एक भक्त बस उनमें से खड़े होकर कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात। पहले तो देखिए, कोई भी बात बोलने के पहले देख लो कि वो हमसे बड़ा है या हमसे छोटा है, तो ही कहना, और नहीं तो जैसे बैठे हैं वैसे ही मैं ठीक लग रहे हैं। मैं स्वयं अपने आप में भी कहता हूँ, मैं खुद स्वयं कथा व्यास हूँ, लेकिन मैं उतनी भी कथा नहीं जानता, मैं उतना बड़ा भी कथा वाचक नहीं हूँ। मैं तो भगवान से जिस दिन फर्स्ट दिन जब व्यास गादी पर बैठता हूँ तो उसी दिन मैं भगवान से कह देता हूँ कि मैं कथा क्या बताऊंगा, क्या आप लोग सुन रहे हैं ये मुझे नहीं पता। जो भी है वाणी से रूठी सूठी सेवा प्रभु आपकी निकलेगी, इसे आप स्वीकार कर, क्योंकि मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ बता सकूं। मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं इन्हें कुछ दे सकूं। ये तो श्रमदान होता है, मन का दान होता है, जो है सो है। क्या कहलाना है, क्या सुनना है, क्या करना है, ये सब डिपेंड इसके ऊपर है। हम और आप जो हैं एक पेड़ के जैसे सीधे, कहाँ डिगाल पिलाना है, कहाँ फल देना है, कहाँ नहीं देना है, ये सब भगवान के डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर भगवान ने कथा ध्यान से सुनना तब आपको समझ में आएगी, आज की कथा बहुत समझने वाली कथा है। भगवान अगर किसी से कोई रिश्ता जोड़ता है या किसी को आपसे या हमसे रिश्ता जुड़वाया है भगवान ने, देखिए किसी का रिश्ता अगर जुड़ा है ना, तो ये समझना कि आपने और हमने नहीं जोड़ा है, ये स्वयं मेरे ठाकुर जी ने वही रिश्ता आपसे मेरा और आपका बनवाया है, ये इसकी ही कृपा से रिश्ता बना है, ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, ये भगवान श्री द्वार का धीस का फल है। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आए होंगे कथा सुनने कि जिसे आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा, भले ही आपके क्षेत्रवासी का होगा, लेकिन कुछ ऐसा व्यक्ति भी होगा कि जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा, उसने आपको कभी देखा नहीं होगा, और पता नहीं कौन से रूप में मेरे हनुमान जी आकर बैठकर सुनते होंगे कथा। मेरे भाई कौन से रूप में आकर हनुमान जी बैठे होंगे, हाँ हनुमान जी से याद आया मुझे, आज रैली में बड़ा अच्छा चमत्कार देखो भैया, हमने दुर्गा चौक है का, दुर्गा चौक है ना, हाँ वहाँ वो जो हनुमान जी बने थे नाच रहे तो गए वो बेचारा, जब वो सांड वाले ने ओके बसंत को भजन नहीं बजाया, ताव मारे और चल पड़े वापिस, हमने धीरे से पूछे कहा होगा हनुमान जी, अरे बेकार गाना बजा रहा हूँ, कहता है बेकार गाना बजा रहा, बोले मैं नहीं नाचता। हनुमान जी भी बड़े दयालु हैं, हनुमान जी भी कहते हैं मेरी पसंद के गाना पसंद अच्छा है। उसके बाद तो कभी कभी ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, हनुमान जी बात भी सही है भैया, अगर भगवान के जो चीज चढ़ती है जैसा उसको पसंद है, अगर वैसा आप नहीं करोगे तो बेचारा गुस्सा तो हो गई, पर हनुमान जी आए जी कौन सी देवी आए, हनुमान जी को प्रसन्न चल रहा है कर रही है।
अब हनुमान जी आजकल बड़ा फेमस हुआ नहीं बजन, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, बिल्कुल नहीं होगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज हनुमान जी कब कौन देखे, क्योंकि मैं हनुमान प्रसंग इसलिए निकाला क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है, जहां राम की कथा होती है, वहां कोई पहुंचे अथवा ना पहुंचे, लेकिन हनुमान जी भगवत नाम की कथा सुनने के लिए उस पंडाल में अवश्य जाते हैं। ये सत्य बात है। बोलिए श्री राम दूत हनुमान की। मैं आज की जो नई पीढ़ी है, जो आज के नए बच्चों हैं, बेटा हो या बेटे, मेरा एक कहना जरूर मानना। मैं कल तो नहीं, परसों सुबह 7 बजे चले जाएंगे, लेकिन जब नेक्स्ट में आप लोग मुझे इस गांव में बुलाओ तो कम से कम ये सूचना मुझे जरूर देना कि महाराज जी आपके जाने के बाद इस गांव का कुछ परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन के साथ साथ कि हर घर में सुबह और शाम 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर होए। मुझे मत बुलाओ, लेकिन कोई और भी कथा व्यास आए तो उसे जरूर बताना कि हमने 2 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ किए। और ये इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप और हम सदा सदा सनातन धर्म के बने रहें। आपको पता है एक महाराज जी बड़े फेमस हुए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, हनुमान जी महाराज की उन पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है ना। उनका भी एक ही लक्ष्य है, उनका भी एक ही लक्ष्य है कि मुझे सनातन धर्म को बचाना है, राष्ट्र हिंदू संसार को बनाना है ना। इसलिए हमें और आपको मिलकर ही राष्ट्र को बचाना है ना, हमारी भारत माता को बचाना है। अब महाराज जब राजा युधिष्ठिर ने यह बात रखी कि इस यज्ञ में किसकी पूजा की जाए, तो उनमें सारे भक्तों में से एक भक्त खड़े होकर कहा कि प्रभु छोटा मुंह बड़ी बात, मैं तो इतना जानता नहीं हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस यज्ञ में सबसे पहले किसी की पूजा हो तो वह पूजा हो वासुदेव की। शिशुपाल खड़ा हुआ और कहा अरे ओ बैठ जाओ नीचे। क्यों क्यों बैठ जाए, अरे किसका नाम ले रहा है, तुझे कुछ पता भी है? और वो जो भक्त खड़ा था जिसने बताया वासुदेव, उस भक्त का नाम था सहदेव। सहदेव की बात को सुनकर जितने भी लोग बैठे थे सब लोग सहमति थे, मतलब सहमत थे, बस शिशुपाल बस सहमति नहीं थे। वो बस कहता था कि नहीं, इतने पवित्र यज्ञ में वासुदेव की पूजा नहीं होना चाहिए। अरे सहदेव तुझे पता भी है, तूने जिसका नाम लिया उसकी जाति क्या है, तुझे पता है कि वो जन्म कहाँ लिया है, तुझे पता है कि उसने क्या क्या किया है, तुझे कुछ पता है कि उसने क्या खाया है, तुझे पता है कि वो बचपन में क्या करता था, तुझे पता है कि वह नारी के साथ चीर चुराने का खेल खेल रहा था, तुझे पता है उसकी 1-8 नहीं है 16,000। बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद अर्जुन खड़े हो गया बाण निकाल कर, अर्जुन बाण निकाल कर खड़े हो गए और बोले शिशुपाल बस एक आवाज भी अब मत बोलना, एक शब्द भी आगे मत कहना। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी ने देखे और वासुदेव जी ने देख कर बोले हे अर्जुन, क्रोध जो है वो विनाश की ओर लेकर जाता है, इसलिए तो कहावत बनी है विनाश काले विपरीत बुद्धि।
मनुष्य को क्रोध आवे, देखता नहीं है, सुनता नहीं है, विचारता नहीं है, धीरज नहीं रखता और कूद पड़ता है गड्ढे पे, और बाद में फिर पछताता है, बाद में फिर वो पछताता है कि अरे यार हमसे ऐसा हो गया, अरे ऐसा नहीं होना था, अरे वैसा नहीं होना था तो अच्छा होना था। भैया भगवान ने हमें समझने की क्रिया दी है, सोचने की, समझने की, हर चीज प्रभु ने हमारे जीवन में डाला। पहले आप विचार तो करो, सोचो तो कि आप बोल क्या रहे हैं। बोल कर तो चले जाते हैं आप, रहो आप तो लगा देते हो, आप तो लगा ही देते हो, लेकिन आग लगाने के पहले सोचो भी तो कि किसी का घर जल रहा है या बच रहा है। आग उसी समय लगाओ जब वो बचे ना, अधूरे में आग मत लगाना, नहीं तो लाइफ टाइम बेचारा चेहरा देख देख कर रोता रहेगा और आप लोगों को लिए अच्छा नहीं बोलेगा, बद्दुआ ही देगा। इसलिए किसी को कुछ बोलने के पहले, जलाने के पहले बहुत सोचना, ठीक है। अब महाराज शिशुपाल ने जब भगवान को 99 गाली दिया, कन्हैया खड़े हुए, बोले देखो शिशुपाल, मेरा काम है कि भक्त का जितना बन जाए तो बना दूं। भगवान यही सोचते ना कि भक्त का जितना बन जाए जो मेरे हाथों से वो मैं बना दूं। अब जानबूझकर भक्त गलती में करा जाएगा, उसमें बेचारे भगवान का क्या दोष है। भगवान ने गड्ढा सामने बताया तो है, लेकिन गड्ढा सामने होने के साथ साथ उन्होंने ये भी तो कहा कि गड्ढा को पूर भी सकते हो, पूर सकते हो ना। अब पूरोगे नहीं तो जानबूझकर उसमें गड्ढा में जाकर गिरोगे, तो ओ सही बताओ भगवान का दोष है उस पे? बिल्कुल नहीं। गाड़ी की स्पीड 100 के ऊपर चलाओगे और जाकर ट्रक में भिड़ जाओगे, गाड़ी में भिड़ जाओगे, नदी में गिर जाओगे, ब्रेकर से कूद जाओगे, तो उसमें क्या भगवान की गलती है? गाड़ी में मीटर बनाया गया है 0, 10, 20, 40, 100। अब आज के बच्चों को तो बता नहीं भगवान क्या बताए हम। अरे 5 मिनट लेट ही पहुंचोगे, लेकिन एक बात छोटे ठाकुर की मानना कि घर से अगर आप निकल रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो ये जरूर सोचना कि घर में तेरे माँ बाप जो हैं वो ये भी सोचते हैं कि बेटा बाहर गया है तो अभी लौट कर भी आएगा, ये सोचते रहते हैं घर के जाने लोग। ये मत सोच के निकलो कि हम वापिस जा रहे हैं तो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे स्पीड से गाड़ियां चला रहे हैं भैया आजकल के बच्चों से, तो भगवान बचाए। कम करना है हमें, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई आपकी नजर के सामने ऐसा, अभी देखे थे ना 2-4 महीना तो 15-20 दिन पहले सरकार ने कुछ नियम उठाई थी, एक तरफ से अच्छा भी था और एक तरफ से थोड़ा सा दुख भी था। कुछ लोगों के लिए दुख था और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा था। जैसे कुछ लोग कौन, जो पीकर चलाते हैं गाड़ी, जो पीकर गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी में बैठने के बाद, स्टेयरिंग के पास बैठने के बाद, वो ये समझते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। उनके लिए तो सरकार ने ठीक की थी, अगर उसको इतना ज्ञान होता कि मेरा परिवार है तो वो पीकर काली है, काली 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 महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। काली मैया जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ रही है तो उसकी हमें मर्यादा भी करना पड़ेगा, जबकि बिचारी को आप लात मार कर चला रहे हो, लात मारते हो कि नहीं मारते, उसके बाद भी वो बिचारी तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ने जा रही है, और उसके बाद भी आप उस काली का उल्लंघन करोगे, उस काली को कष्ट दोगे, तो बिचारी 100 दिन में एक ना एक दिन तो वो तुम्हें भी कष्ट बताओ, है ना। इसलिए काली को काली मैया समझ के चलो, अपनी माता समझ के चलो। जिस प्रकार, अरे 5 मिनट नहीं सही, इतनी भी स्पीड ना गाड़ी चलाएं कि जिससे आपको हानि हो, नुकसान। क्या मतलब
कि अगर चलो निपट गए तो चलो ठीक है, ना निपटे तो हाथ पांव टूट गए तो अंधा हो गए तो बहरा हो गए तो लेटे रहो जिंदगी भर खटिया में, देखते रहो कि अब कोई आए फिर पानी पिला है, कोई आए तो खाना दे है, कोई आए तो नहला है, कोई आए तो चला है, है? क्या मतलब कर दो फिर बताइए। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल हमें नहीं करना है, आराम से भगवत नाम की कथा को। यहाँ पर अब कहा गया शिशुपाल ने बहुत सारी गालियां दी, जैसे ये 101 गाली हुई है, स्वयं मेरे बांकी बिहारी स्वयं मेरे ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र को चलाकर शिशुपाल की गर्दन को अलग कर दिया, और जैसे ही गर्दन अलग हुई उस हृदय से एक ज्योत प्रकट हुई, वो ज्योत जो है वो पहले आकाश पे गई और आकाश से नीचे आकर वो स्वयं प्रभु के हृदय में वास करी। जैसे कि आपको एक चीज बता दें, हम एकादशी के दिन आप लोग चावल नहीं खाते हैं, है ना, और ये बात सत्य। एकादशी का जो व्रत है उस व्रत में हमें चावल नहीं खाना चाहिए। लोगों ने पूछा महाराज क्यों नहीं खाना चाहिए, उसका कारण है, आप में से किसी को पता है? नहीं, ठीक है। एकादशी के दिन जो है बस एक ही जगह बनता है, इतना सारा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा संसार है, इन सारे संसार के बीच में सिर्फ एक ही जगह बनता है, और वह स्थान है जगन्नाथ पुरी, जहां पर भगवान श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं। वो कहावत है सुने होंगे, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाँ। हम सिवनी, जिला सिवनी में निवास है, है ना, अधिकांश इधर उधर होने के बाद दो चार दिन के लिए आश्रम में आते हैं, तो जो आश्रम है हमारा वहां हमारे जगन्नाथ जी ही हैं, हम जगन्नाथ जी के पुजारी भी हैं एक तरफ से। आज हम यहाँ अगर बैठे हैं तो श्री जगन्नाथ जी की कृपा से ही बैठे हैं। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की। जगन्नाथ जी जो हैं वो जगत के स्वामी हैं, जगन्नाथ एक मतलब जगत के नाथ हैं। वो संग में सुभद्रा मैया बैठी है, दाऊ जी बैठे हैं, और संग में मेरे बाके बिहारी बैठे हैं, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। घर में आप अपने घर पे एक आसन में ज्यादा भगवान ना रख के अगर जगन्नाथ जी बस भी रख रहे हो तो भी भगवान आपकी सेवा को स्वीकार करेगा, और सभी देवी देवता का वो उस स्थान पर निवास रहेगा। मेरी माँ, तो जब दुनिया छोड़कर हम जाते हैं ना, और दुनिया छोड़कर जाने के बाद जो आठवां महीना होता है, आठ माह के बाद हमारा जो शरीर है वह आठ माह के बाद एक खेत में आकर गिरा था, और वो था खेत धान। उस धान के खेत में गिरने के कारण हमें, और उसी दिन पड़ गई एकादशी, इसीलिए हमें एक दिन चावल छोड़ना पड़ता है। देखिए भगवान श्री वेद व्यास जी जो हैं, श्री भगवान श्री ठाकुर जी जो कहते हैं हमें कि ज्ञानम वरणम मम कृता सैतस्त्र देशो वैतूनाम मन कृत व्रचानम प्रतिष्ठिति ही कृष्णाय शरणम। भगवान श्री द्वारकाधीश द्वारकापुरी श्री कृष्ण सत्य के नाथ हैं प्रभु। शिशुपाल का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वह ज्योत को अपने अंदर, देखिए आप बड़े भोले भाले हो, आपको क्या पता है क्या नहीं पता ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन
जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रहता, कृपा करके वह व्यक्ति जो है वो एकादशी का व्रत जरूर धारण करे। उसका कोई ज्यादा विधान नहीं होता। जितने भी जो व्रत होते हैं ना, जितने भी जो व्रत होते हैं वह सारे व्रतों का एक ही व्रत है, वो है एकादशी। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमारे घर में वह खत्म होगा, वो के नाम से रह रहे हैं। रहो के नाम से कोई दिक्कत नहीं, जीते जी जब रहो तब नहीं रहो के नाने। कई लोग कहते हैं ना मरने के बाद 5 एकादशी तो 11 एकादशी तो साल भर की एकादशी। अरे भैया वो जब जिंदा तो तब भी तो रह सकते थे, रास्ता देखत रहे तुम लोग कि कब वो निपटर कर मैं एकादशी व्रत करूं। ये गलत सोच है। हमें मरने के बाद उसके लिए क्यों रहे जी? क्या पता कि आप उसको दे रहे हो या अपने परिवार के लिए भी सोच रहे हो? कहीं ना कहीं तो पूजा करते करते अपने परिवार के विषय में तो बोलते छोगे ना, तो फिर वो उसकी एकादशी कैसे हो जाएगी? हाँ, पूरी पूजा करते हो और पूरी पूजा भर में अगर उसी का नाम लेते हो तो वो एकादशी फिर उसकी है। संकल्प लेते हो तो उसी की, क्योंकि सोमवार हो, शनिवार हो, रविवार हो, बुधवार हो, शुक्रवार हो, इत्यादि जो 7 दिन है जो है वो ये समझना कि जो भी व्रत आप रहते हैं तो एकादशी भी जो है वो हर दिन में किसी भी दिन आ सकती है। तो सारे व्रत आपके एकादशी से पूर्ण हो जाते हैं प्यारे, एकादशी से पूर्ण हो जाते हैं। उसमें से कभी शनिवार को भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि इस शनिवार को एकादशी आएगी तो नेक्स्ट भी शनिवार को ही एकादशी आएगी, सोमवार को भी आ सकती है, मंगल को भी आ सकती है, शुक्र को भी आ सकती है। इसलिए और एकादशी कोई ज्यादा विधान नहीं है। जिस समय आप एकादशी व्रत करें, एक नारियल लें, नारियल में लाल धागा बांधें और लाल धागा बांधते समय यही कहें कि हे प्रभु दीनानाथ, हम आपके एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, किसी एकादशी के दिन अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ करना, मैं संकल्प करता हूँ, करती हूँ कि मैं एकादशी का व्रत धारण कर रही हूँ। अपना नाम अपना गोत्र बोलकर वह नारियल को एक स्थान में कहीं भी रख दो, जब उस एकादशी का आप व्रत का उद्यापन करते हो तो वही नारियल को फिर महाराज जी के हाथों में देकर उसका उद्यापन करा लेना चाहिए। बस इतना सा विधान है, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल निरंजन रहना है, खा भी सकते हो फरार। वैसे कोशिश यही करें कि ना कहें भाई हम तो खाते हैं, तो चिल्लाना पड़ता है ना, फरार करके भी रह सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत रहना चाहिए। अपने बच्चों को भी बोलो, परिवार वालों को भी बोलो, भाई बहन भी रहो, माता पिता भी रहे। तो शिशुपाल के मरने के बाद आइए अब चलते हैं हम और आप सुदामा जी की कथा पे।